दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बेहतरीन स्वागत भाई आपके अपने एक बेहतरीन से कैरियर सेफर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पिछले 69,000 शिक्षक भर्ती का जो एक घोटाला सामने आया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो कल माननीय योगी जी की एक बड़ी बैठक थी। उस बैठक में बच्चों के हित और बच्चों के लाभ पर ही फैसला लिया गया है, और वो ये है कि आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। बहुत सारे बच्चों को ये डर था कि सरकार के पास तो अभी भी ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच पर ही जा सकते हैं और वैकेंसी को टाल सकते हैं। कई बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैंने पोस्ट भी देखा था कि बच्चों ने पोस्ट किया हुआ था कि जो है सरकार के पास तो अभी चांसेस हैं और सरकार जा सकती है, और जाएगी तो 2-4, 5 साल, 5 साल, 6 साल और लटकेगा मामला। लेकिन यहाँ पर योगी जी ने बच्चों के हित और बच्चों के जो समर्पण का सीन रहा है वो देखते हुए आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार, इसका ऐलान कर दिया। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती नहीं देगी, साथ ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। यह भी तय किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तैयार की जाने वाली नई सूची के आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण को समझने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए, साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी ना हो। बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफ़ी समय से चल रहे 69,000 शिक्षा भर्ती आरक्षण मामले को पुरानी सभी सूचियां रद्द करते हुए नए सिरे से सूची जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद में बेसिक शिक्षा विभाग के शासन स्तर पर मंथन के बाद रविवार को मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक की गई। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। क्या करें कि प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग। अच्छा जी, करें कि बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई कि इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा, वहीं शिक्षा नई सूची तैयार करेगा, साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इस पर भी प्रस्ताव तैयार करे। युवाओं के भविष्य नहीं होगा खिलवाड़, संदीप जी कह रहे हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि रिपोर्ट के आदेश का सम्मान है, कोर्ट के आदेश से हमें 3 माह का समय दिया है, न्यायालय के आदेश के क्रम में नए सिरे से सूची तैयार की होगी। प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है, हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी व्यक्ति या युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, सबका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज हुई बैठक में मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत बढ़िया, और नए सिरे से बने न्यायपूर्ण सूची, ये अखिलेश जी का स्टेटमेंट है। करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर सचिव के वर्दी मामले में कहा है कि हमारी मांगे हैं कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने जिससे पारदर्शिता और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके। उन्होंने यह बात एक्स का मतलब ट्विटर के जरिए कहा। उन्होंने कहा कि हम नई सूची पर लगातार नज़र रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, यह सुनिश्चित करवाने
में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थी के साथ निभाएंगे। तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से अब अपने साथ बच्चों के, प्रदेश के बच्चों के साथ खड़े होने के लिए ऐलान कर दिए हैं, तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये रहा आपके योगी आदित्यनाथ जी के कल के मीटिंग का परिणाम। तो बिल्कुल आप सब लोग निश्चिंत हो जाएं, जो भी गलतियां इनसे हुई वो गलतियां ये लोग सुधारेंगे। तो चलिए मैं आपको ऐसे जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।